जैसे कि वीडियो के पे से आप समझ गए हो कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं का जो हमारा आज का ये एपिसोड है, एजुकेशनल वीडियो है, इसमें आज हम कुछ तूफानी करने वाले हैं जहां पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखा सकता हूं जिसमें अगर आप 10,000 कैपिटल अपना लेकर के आते हो तो 10,000 से भी आप डेली का 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल लाइव चल रहा है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्राइडे का दिन है, 9:55 का ये समय हो रहा है, यानी मार्केट बिल्कुल लाइव चल रही है। बिल्कुल लाइव मार्केट में लेकर के जाकर के इन्वेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, बहुत कुछ सीख करके जाने वाला हो, क्योंकि 10,000 से 1,000 तक का प्रॉफिट ये कैसे आएगा सुनने में बहुत रिस्की है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये जो चीज़ है ये है तो बहुत रिस्की ही, ये रिस्की है, इसमें रिस्क बहुत है और इतना रिस्क है कि आपका कैपिटल भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को सीख करके ज़रूर जाना, क्योंकि अगर इसको आपने मैनेज कर लिया स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर टारगेट के साथ, तो एक अच्छा आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। आपने बहुत बार सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। और जो मैंने आपको बोला कि 10,000 से 1,000 तक का प्रॉफिट एक दिन में, तो ऐसा नहीं है कि हम 10% यहाँ से कमा लेंगे इंट्राडे में। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर सारी की सारी गेम आ जाएगी मार्जिन की। तो पहले यहाँ पर थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं मार्जिन क्या होता है। मान लीजिए आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला, लेकिन उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो कंडीशन वो ये है, अगर आपको इंटरडे में सक्सेस होना है, अगर आपका डीमैट अकाउंट अच्छे और सस्ते ब्रोकर के साथ है तभी कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज प्रॉफिट से ज्यादा आपका ब्रोकरेज बन जाएगा, कुछ भी नहीं कमा पाओगे। तो अच्छे ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा ब्रोकर आपके लिए कौन सा होगा उसका डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम जो भी आपके लिए बेस्ट और सस्ता रहने वाला है उस ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन करने के 24 घंटे में अकाउंट आपका खुल जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज आपकी 18+ होनी चाहिए, वीडियो पे KYC हो जाती है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। जब लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद मान लीजिए आपने फंड यहां पे ऐड कर लिया 10,000। अब 10,000 जब आपने ऐड कर लिया, अब होगा क्या, यहां पे हम जब इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मार्जिन मिलता है, यानी कि कितना मिलता है, अप टू 5 टाइम्स। यानी कि चाहे हमारे पास पैसा 10,000 है लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 50,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं इंटरडे में। तो अब 50,000% का अगर मैं यहाँ से सिर्फ मान के चलो एक दिन में अगर हम 2% निकाले जो कि आसानी से निकलता है इंटरडे में, तो ये डेली का कितना बन रहा है 1,000 रुपये। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। कुछ यहाँ पे इंटरडे की शर्तें होती हैं, जैसे मार्केट का टाइम है मंडे टू फ्राइडे सुबह में 9:15 में मार्केट खुल करके 3:30 बंद हो जाती है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 3:20 का टाइम लेकर के चलेंगे इंट्राडे। अब मान लीजिए आप चाहे 9:15 पे खरीदो, चाहे आप 1 बजे दोपहर में खरीद रहे हो, आपको सेम डे में बेचना पड़ेगा 3:20 से पहले पहले। अगर आप नहीं बेचते हो तो जो भी आपका ब्रोकर है, चाहे आपको नुकसान है चाहे आपका फायदा है, ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर है वो बेच देगा और यहाँ पे 50 रुपीज़ तक की पेनल्टी भी मारेगा। तो हमने खुद से उसी दिन अंदर बेच के निकल जाना है, सिंपल इज दैट। अब मान के चलो मैंने कोई शेयर खरीद लिया कि मुझे ऊपर जाएगा, लेकिन अब वो गिरने लगा तो क्या मुझे लॉस बुक करना जरूरी है? इसमें हम कैसे बच जाएंगे, इससे बचने की भी ट्रिक आपको इसमें बताऊंगा, किस तरीके से आप इससे बच जाओगे, इस शेयर को बेच ना करके आप इसको होल्ड कर पाओगे, इस पूरे वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहां पे आपको लाइव यहां पे ट्रेड लेकर के दिखाता हूं किस तरीके से चीजें काम करती हैं, और फिर देखेंगे अगर हमने जिस शेयर को खरीदा वही गिरने ही लग गया तो जानबूझ करके लॉस क्यों बुक करेंगे, हम उसको कैसे बचा सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो मेक श्योर उसके पहले आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक अच्छे प्रोसेस रेडी कर लेना, जो कि डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर भी आपको मैं कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करवा दें, कोई दिक्कत आती है तो चलते सीधा आप स्क्रीन के ऊपर। अभी हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशन में आ जाएंगे, जब भी आपका अकाउंट रेडी होगा आपके सामने भी ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा, इसमें हमने फंड वंड ऐड कर लेने होते हैं। और वीडियो शुरू से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, इसको देखकर होने वाले नुकसान या प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें। लेकिन इस वीडियो में ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम इंटरनेट ट्रेडिंग करेंगे एयरटेल के स्टॉक में, भारती एयरटेल हमने सर्च कर लिया, सर्च बॉक्स में ऑलरेडी मैंने इसको ऐड कर रखा है। और यहाँ पे देखिए अभी शेयर का जो प्राइस चल रहा है 1481 यानी 1482 रुपये का प्राइस चल रहा है, और आज एक दिन के अंदर अंदर इसने 2.25% की बढ़त दे दी है। अब देखना इंट्राडे ट्रेडिंग का मैजिक कैसे होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने बाय कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मार्केट में रख लिया। मार्केट में रखने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी खरीदनी है इस स्टॉक की, यहाँ पे मैंने 10 रख ली। 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए अब इसको जब से ही मैं यहाँ पे छोटा सा आपको रिफ्रेश वाला बटन दिखाई देगा, इसको क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेश करके आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग की डिटेल बता देगा।
जो कि यहाँ पे देखिए 10 शेयर खरीदने के लिए हमें 14,826 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में है। अगर मैं इसी चीज़ को हटा करके इंट्राडे कर देता हूँ, तब देखना अगर मैंने इसको इंट्राडे कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा 14,000 रुपये लग रहे थे अब कितने लगने वाले हैं, सिर्फ 2900 रुपये, यानी सिर्फ 3000 रुपये में हम भारतीय एयरटेल के 10 शेयर खरीद लेंगे। तो तकरीबन तकरीबन आपने देखा कि कितना ये तकरीबन हमको इसमें भी 5x तक का मार्जिन मिल गया देखने को, यानी कम पैसे में हम ज़्यादा स्टॉक की ट्रेडिंग कर लेंगे। अब होगा क्या, ये जो हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें जो होंगी वो 10 की क्वांटिटी पे होगा, यानी कि जो हमारे सामने 14,000 समथिंग जो वैल्यू आ रही थी उसके ऊपर ही नुकसान है, प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें पैसे लगेंगे कितने, सिर्फ 2930 रुपये। ये चीज़ हमने अभी देख ली। अब देखने के बाद सिंपल है, क्या करना है, नीचे स्वाइप टू बाय है, जिसको जैसे ही स्वाइप करूंगा ऑटोमेटिकली ये मेरा खरीदा जाएगा। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसके पास अगर 10,000 रखते हो तो ये मान करके चलो कि 50,000 रुपये तक की वैल्यू का आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो। अब इस वीडियो में मैंने स्वाइप टू बाय किया और आपके सामने करते ही करते कंप्लीटेड होकर के ऑर्डर लग चुका है। ऑर्डर में जाकर के देख सकते हो 1481 रुपये 20 पैसे मैंने एयरटेल के 10 शेयर खरीद लिए, जिसमें सिर्फ मेरे 2900 कुछ रुपए लगे हैं, ना कि 15,000। पोर्टफोलियो में जाऊंगा तो ये जो मेरा इंट्राडे है वो होल्डिंग्स में ना जा करके वो पोजीशंस वाले सेक्शन में चला जाएगा। पोजीशंस वाले सेक्शन में जाने के बाद अब 10 के शेयर के ऊपर जो भी मुझे नुकसान या प्रॉफिट होगा वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ती जाएगी मुझे यहाँ पर जो भी मेरा लॉस या प्रॉफिट दिखता जाएगा। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी हमारी वो पोजीशन में ही रहेगी, और क्योंकि मैंने इसको 10 बजे खरीदा है मेरे पास 3:30 बजे का 3:20 3:25 तक का समय है कि मैं इसमें देख सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट कब हो रहा है और मुझे लॉस कब हो रहा है। जब मुझे लगता है कि उसमें से मुझे 1-2% तक का प्रॉफिट निकल रहा है तब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे क्लिक करूंगा, एग्जिट में जाऊंगा, मार्केट को रखूंगा, स्वाइप टू सेल करूंगा, इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स जो है ये बिक भी जाएगा, सिंपल। अब यहां पे बात आती है, अब मान लीजिए मैंने इसको अब खरीद लिया लेकिन ये उल्टा हो गया, मुझे लग रहा था ये शेयर बढ़ेगा आज के दिन लेकिन ये नीचे गिरने लगा, तब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के अगर मैं जाता हूं तो यहां पे देखिए एक हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट पोजीशन। तो जैसे ही हम कन्वर्ट पोजीशन में करेंगे उससे क्या होता है कि जो हमारी इंटरडे ट्रेड है वो रेगुलर ट्रेड बन जाएगी, रेगुलर ट्रेड इन द सेंस कि अब हम इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तब हमें अपने अकाउंट में वो पूरे पैसे रखने पड़ेंगे। यानी कि मुझे अगर 15,000 मेरे पास रहेगा तो ये जो मैंने इंटरडे के लिए रखा हुआ था अगर मुझे शाम तक इसमें नुकसान हो रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको होल्ड करके अगले दिन बेच दूंगा, 2-4 दिन होल्ड कर लूंगा तो भाई मैं नुकसान से भी बच जाऊंगा, सिंपल, समझ गए। अगर मुझे आज के दिन ही प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इसको बेच करके एग्जिट कर जाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बंदा बोल तो रहा है कि बेचना, ये बिकेगा कैसे, आज ही करके आज कैसे बेच सकता है। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल मैंने एग्जिट पे क्लिक करिए, सारा चीज यहाँ पे ऐड हो गया और स्वाइप टू सेल मैं करूंगा, स्वाइप टू सेल करूंगा और यहाँ पे देखिए ये मेरा बिक भी किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना था विद इन सेकेंड्स यहाँ पे 2900 रुपये लगा के 8.80 रुपये का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये तो जो प्रॉफिट हुआ है ये मेरा चार्जेस में ही चला गया, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। अगर आपने गलत ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लिया तो इससे कहीं ज्यादा तो मेरी ब्रोकरेज चली जाती, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छे ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर गलत ब्रोकर के साथ खोल लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो आप बुरे फंसोगे, जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा कंपनी आपसे ब्रोकरेज लेकर के चली जाएगी। ये सिर्फ एजुकेशनल डेमो के लिए वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर बोलते बोलते बाय करके सेल कर दिया। लेकिन जब भी आपने बाय और सेल करना होगा, जब कोई मार्केट में न्यूज आ रही है, कुछ अच्छा हैपनिंग हो रहा है, किसी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, उस टाइम पे आप ट्रेडिंग ये चीजें करते हो तो सेम डे में आप कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप इनके चार्ट्स को सीखना शुरू कर देते हो, इंडिकेटर्स को देखना शुरू कर देते हो, तो इंडिकेटर्स आपको खुद से इंडिकेट करता है कि हमें कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, आपको ये रेजिस्टेंस बताना शुरू कर देता है, ये आपको सपोर्ट बताना शुरू कर देता है। आपको खुद से पता चलेगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, ये सभी चीजें हम आपको सिखाएंगे। इवन हम बहुत टाइम पहले से भी सिखा रहे हैं, आप वहां पर देख सकते हो, प्राइस एक्शन सिखाते हैं, कैंडलस्टिक सिखाते हैं। जैसे चीजों को सीखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बढ़ती जाएगी। एक आपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है। अब मान लीजिए लोगों का सवाल होगा कि भाई हमारे पास 15,000 नहीं है कि या हमारे पास 50,000 नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट करें पोजीशन को, तो आपने क्या करना है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 2% प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आप ये भी सोच के चलो कि मुझे अगर 1.5% नुकसान हो रहा है तो मैं नुकसान बुक कर लूंगा। मुझे लग रहा था एयरटेल ऊपर जाएगा 2%, लेकिन ये तो नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा, मान लो
1% नीचे गया, 1.5% जब चला गया तो मैं क्या करूंगा, लॉस बुक कर लूंगा अपना, 1.5% लॉस बुक करके बाकी का जो पैसा उसको बचा लूंगा अगर मेरे पास कन्वर्ट करने के पैसे नहीं है तो। स्टॉप लॉस को मैं अपने सिस्टम में लगा करके चलूंगा, ये नहीं वेट करूंगा कि शायद अब बढ़ जाए, ऐसा नहीं, सिस्टमैटिक वे से चलना पड़ेगा ताकि अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो जो हमारे टारगेट हिट हो वो ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट ही दे करके जाए। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है कि 100% आपको एक्यूरेसी मिलता है, मिस्टेक्स तो होंगी, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, लेकिन सिस्टमैटिकली चलोगे तभी इस चीज़ में आगे कंसिस्टेंसी के साथ टिक सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो गाइडेंस अच्छी लगी, कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।